इसमें हमने पढ़ा था कि वो जो घोड़े का मालिक है वो अपने दोस्त कैप्टन लिंगले के साथ बात कर रहा होता है। आगे देखो क्या बात करते हैं वो। द मास्टर बेट मी, मालिक ने मुझे पीछे किया। ए लिटिल, थोड़ा सा। सो एज टू गेट, कि उन्हें मिल सके। ए गुड व्यू ऑफ देम, उनका अच्छा सा सीन। वो जो घोड़े देखने की बात हो रही थी ना, तो मालिक ने उस अपने घोड़े को पीछे किया ताकि वो उन दो घोड़ों को अच्छे से देख सके। दे आर एन अनकॉमनली हैंडसम पेयर, ही सेड, उसने कहा। अब ये मालिक ने कहा, जवाब दिया उसकी बात का। दे आर एन, ये है अनकॉमनली मतलब असाधारण, हैंडसम सुंदर पेयर जोड़ा। ये घोड़े का एक असाधारण सुंदर सा एक जोड़ा है। एंड इफ दे आर एज गुड एज दे लुक, और इसके आगे उसके मालिक क्या कहते हैं, ये जो घोड़े हैं दे आर एज गुड, ये इतने ही अच्छे हैं जितने दे लुक, वे दिखाई देते हैं। ये घोड़े जितने अच्छे जितने उतने अच्छे हैं जितने कि ये सुंदर दिखाई देते हैं। आई एम श्योर, मुझे विश्वास है। यू नीड नॉट, तुम्हें जरूरत नहीं रहेगी विश मांगने की। फॉर एनीथिंग, कुछ भी, बेटर और अच्छा। अब ये जो घोड़े का मालिक है वो अपने फ्रेंड से कह रहा है, ये घोड़े इतने सुंदर है और मुझे पूरा विश्वास है कि इनके अलावा तुम्हें और कुछ नहीं मांगना पड़ेगा, मतलब इनसे अच्छे घोड़े तुम्हें नहीं लाने पड़ेंगे। बट लेकिन आई सी, मैं देखता हूँ, यू स्टिल ट्रबल योर हॉर्सेस, कि तुम अपने जो घोड़े हैं उनको ट्रबल मुसीबत में डाल दोगे। वो अपने फ्रेंड को ही बोल रहा है कि तुम अपने घोड़े को ट्रबल मुसीबत में डाल दोगे। विथ दैट थिंग, इस बात से एंड लेसन कम हो जाएगी देयर पावर, उनकी शक्ति। तुम अपने घोड़ों को मुसीबत में डालोगे और उनकी जो पावर है वो कम हो जाएगी। लेस का मतलब होता है कम होना। अब देखो ये तो मालिक कह रहा था ना, अब वो जो घोड़े का जो वो जो दो घोड़ों का मालिक है वो कहेगा, व्हाट डू यू मीन, तुम्हारा क्या मतलब है बाय दैट, इस बात से, थिंक, इस चीज से। ये इसने कहा ना कि घोड़ों की, नए घोड़ों की शक्ति कम हो जाएगी, तो उनका जो दो घोड़ों का मालिक है वो पूछ रहा है कि तुम्हारा इस बात से क्या मतलब है। सेड द अदर, दूसरे ने कहा, दूसरे मालिक ने कहा, दैट चैक्रेंस, चैक्रेंस मतलब रस्सी। अब ये बता रहा है कि ये जो चैक्रेंस है उस रस्सी का मतलब है क्या तुम्हारा। ओ हाँ, क्या ऐसा ही है क्या, रस्सी के बारे में बोल रहे हो। आई नो, मैं जानता हूँ। स्टॉपिंग दोस, रोकना, स्टॉपिंग का मतलब होता है रोकना, दोस का मतलब इनको। अब ये मालिक बोल रहा है कि मैं जानता हूँ, इनको रोकना इज ए हॉबी, शौक है ऑफ योर्स, तुम्हारा, इन घोड़ों को रोकना तुम्हारा शौक है। वेल, अच्छा। द फैक्ट इज, असलियत ये है, फैक्ट, फैक्ट का मतलब असलियत, असलियत ये है। आई लाइक टू सी, मैं देखना चाहता हूँ, माई हॉर्सेस, मेरे घोड़ों को, होल्ड देयर हेड्स अप, उनके सिर से पकड़े हुए। उसका मालिक बोल रहा है कि मैं मेरे घोड़ों को ऐसे चाहता हूँ जैसे उनकी गर्दन से पकड़ते हैं ना, छोटे बच्चे किसी बकरी के बच्चे को पकड़ते हैं उनकी गर्दन से, वैसे उसका मालिक कहता है कि मैं भी उनको उनके सर से पकड़ के देखना चाहता हूँ, मेरी ऐसी इच्छा है। आगे देखो घोड़े का मालिक कहता है, सो डू आई, मैं भी ऐसा ही करता हूँ। सेड मास्टर, मालिक ने कहा, बट लेकिन, आई डोंट लाइक, मुझे पसंद नहीं है, टू सी देम, उनको देखना, हेल्ड अप, पकड़े हुए। वो क्या कह रहा है कि मैं भी कभी कभी अपने घोड़े को गर्दन से पकड़ लेता हूँ, लेकिन मुझे उनको ज़्यादा देर पकड़ना सही नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता। हेल्ड अप मतलब पकड़े रखना। नाउ, अब यू आर ए मिलिट्री मैन, मिलिट्री का मतलब होता है फौजी, सेना में रहते हैं ना सैनिक या फौजी, उसको बोलेंगे मिलिट्री। तो इसमें ये जो मिस्टर डगलस है वो अपने फ्रेंड को बोल रहा है कि तुम एक मिलिट्री मैन हो, फौजी आदमी हो। लैंगले, लैंगले को बोल रहा है, एंड और नो डाउट, कोई शक नहीं है, यू लाइक टू सी, कि तुम्हें अच्छा लगता है देखना, योर रेजिमेंट, अपनी सेना में, लुक वेल, अच्छे से।
करता है। ये घोड़े की बात हो रही है कि सेना में घोड़े पर भी करवाते हो। एंड यू से और तुम कहते हो हेड्स अप टू देम। हेड्स अप मतलब गर्दन ऊपर करने के लिए। परेड में क्या होता है, परेड करवाते हैं ना, तो उसमें हेड्स अप हेड्स डाउन बैठना उठना ये सिखाते हैं उसमें फास्ट फास्ट करने के लिए। बट लेकिन यू कुड नॉट टेक, तुम नहीं लेते हो क्रेडिट फॉर योर ड्रिल, अपने जो अभ्यास है, ड्रिल का मतलब होता है अभ्यास, तो तुम जो घोड़ों का अभ्यास कराते हो उसका क्रेडिट तुम खुद नहीं लेते। अपने फ्रेंड को बोल रहे हैं डेंगले को कि तुम भी बहुत सारा ड्रिल करवाते हो अभ्यास कराते हो लेकिन उसका क्रेडिट खुद नहीं लेते। इफ ऑल और अगर सभी योर मैन तुम्हारे आदमी तुम्हारे सभी आदमी हेड देयर हेड्स अपने सर को टाइट बांध ले टू ए बैकवर्ड सॉरी बैकबोर्ड पीछे, अगर तुम्हारे सारे आदमी सर को पीछे बांध ले किसी चीज से, एंड इट इज जस्ट द सेम विथ हॉर्सेस, ऐसा ही सेम तरीका तुम किसके साथ करते हो, घोड़ों के साथ करते हो। वो उसको समझाने की कोशिश कर रहा है कि तुम घोड़ों को बांध के रखते हो, वैसे ही अगर फौजी भी अपना सर बांध ले फिर तुम उसको ड्रिल करवाओ तो फिर तुम्हें अच्छा लगेगा, घोड़े भी अपने सर को बांध के रखते हो तो उन्हें भी अच्छा नहीं लगता। यू मे डिपेंड, तुम डिपेंड हो, तुम निर्भर हो अपॉन इट, किसके ऊपर, तुम अपने जो सैनिक है दूसरे सैनिक है उन पर निर्भर हो। हॉर्सेस वर इंटेंडेड, घोड़ों का भी इरादा नहीं होता, इंटेंडेड बिना इंटेंशन से, तो इसका लेंगे हॉर्सेस वर इंटेंडेड, घोड़े का इरादा नहीं होता टू हैव देयर हेड्स अपने जो सिर है फ्री उसको आजाद करने का, एज फ्री एज ओवर्स जैसे हम चाहते हैं। हम घोड़े को पकड़ के रखना चाहते हैं उसके सर से लेकिन वो क्या चाहता है कि वो क्या हो जाए, फ्री हो जाए, आजाद हो जाए। घोड़ा आजाद होना चाहता है, अपने बांध के कौन रहना चाहता है, हम भी नहीं चाहते, आप भी नहीं चाहते ना कि सारा दिन आपको क्लास में पढ़ाया जाए, तो ऐसे ही घोड़े के साथ है, वो भी फ्री होना चाहता है जैसे हम चाहते हैं फ्री होना वैसे ही। एंड इफ वी कुड एक्ट, अगर हम ऐसा ही व्यवहार करें ए लिटिल मोर और थोड़ा ज़्यादा और करें अकॉर्डिंग टू कॉमन सेंस, हमारा जो दिमाग है उसके साथ भी ऐसा ही व्यवहार करें कि उसको बांध के रखें, एंड ए गुड डील, अगर हम अच्छा व्यवहार करें, गुड डील मतलब अच्छा बर्ताव करें, लेस अकॉर्डिंग टू फैशन, फैशन के बजाय, ये घोड़े के लिए कहा गया है कि अगर हम घोड़े के साथ अच्छा व्यवहार करें, फैशन नहीं दिखाना है हमें। कोई कर देता है ना फैशन के लिए, कान कट कर देता है या पूछ कट कर देता है उसको अलग दिखाने के लिए, तो ये है कि हमें फैशन को छोड़कर अच्छा व्यवहार करना चाहिए। वी शुड फाइंड, तो हमें मिलेगा मेनी थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें, वर्क काम इजियर, काम भी आसान हो जाएगा अगर हम ऐसा करेंगे। भी जानवरों के साथ अच्छा बर्ताव करेंगे तो जानवर हमें क्या देंगे, हमारा जो काम है वो आसानी से करवा देंगे बिना किसी मुसीबत के। आगे देखो आगे क्या दिया है, आई बिलीव यू आर राइट, आई बिलीव मुझे पता है या मुझे विश्वास है, यू आर राइट तुम सही कहते हो, सेड द अदर दूसरे ने कहा, दूसरे ने मतलब उस कैप्टन लिंडे ने कहा अपने दोस्त को कि मुझे विश्वास है कि तुम जो कहते हो वो सही है कि घोड़ा भी आजाद होना चाहता है। आई थिंक, मैं सोचता हूँ अबाउट इट, इसके बारे में, अब वो कह रहा है कि मैं इस चीज के बारे में सोचूंगा। एंड सो दे पार्टेड, और इसके बाद में सॉरी सो दे पार्टेड मतलब इसके बाद में वो अलग हो गए, पार्टेड अलग हो गए मतलब दोनों एक जगह खड़े हुए बात कर रहे थे ना, तो कैप्टन तो अपनी साइड चला गया और जो घोड़े का मालिक है वो अपने घर आ गया, अलग हो गए वो। दिस वाज द लेसन, ये जो लेसन है ये जो सीख है इन काइंडनेस, काइंडनेस मतलब दयालु, दयालु होने की जो सीख है दैट आई लर्न, वो मैंने सीखी इन ब्रिटविक, ब्रिटविक में ये घोड़ा जो स्टोरी बता रहा है वो कहा है कि ये जो दयालुता का जो पार्ट है वो मैंने कहाँ सीखा, ब्रिटविक ये जगह है, चैप्टर के स्टार्टिंग में आया था कि घोड़ा ब्रिटविक की बात कर रहा है तो यहाँ सीखा उसने ये पार्ट। अब आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, आपको इसकी स्पेलिंग्स लर्न